ज्यादा गहरी मेहंदी लगेगी ना, उसका पति बल ज्यादा प्यार करता है उनको। देखो अशोक वाटिका में ना कुछ ऐसे अमरूद हो रखे हैं। आइए लाडू कड़वा चौथ हैप्पी मुंह। ये पापा हैं महा कसम, तुमको तो रखना चाहिए, तुम इतने ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे पति देव भी इतने ब्यूटीफुल है। ये प्यार नहीं करते अपने पति को, हम प्यार करे या ना करे पर हम भूख से ना मरे। और ये देखो अभी तक है ना बिस्तरा लेके सोए थे यार, अब जाके चड़क के खड़ उठ गए। आज भाई दोस्तों वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे लुक से हो रही है, तो लुक काफी गजब वाला हो रखा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है करीबन 8:30 का, और अभी नाश्ता करने की तैयारी है, तो उससे पहले जल्दी से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सुप्रभात दगड़ियों, प्रणाम, पहला नमस्कार आप सभी थे, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यारे से ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपनी चंपावती से, तो चंपावती के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं, सामान पूरा तितर बितर हो रखा है। आजकल के टाइम में ना कुछ ऐसे ही सबके चौक दिखते हैं, क्योंकि ना सारे जगह मिर्ची और ऐसे डाले और ऐसे कहीं पे दराती, कहीं पे लकड़ियाँ, कहीं पे ऐसे कपड़े घास के सारे ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। और साथ ही में अपने सुल्तान और सिंगम और अपने बर्फी और माया की बात की जाए ना, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा धूप लगने लगी है, तो इनको भी जल्दी से पानी पिला के और इनको अंदर करते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और फिर पीछे से ना मक्खियाँ भी इनको इंजेक्शन देते रहते हैं, इनको भी बुखार नहीं आना चाहिए, टाइम टाइम पे इन पे इंजेक्शन लग रहे हैं। तो अभी जब तक सुबह थोड़ा सा छाया थी ना, तो तब तक मैंने ना थोड़ा सा मिर्ची तोड़ ली है, तो उनको अब बैठ के ना एक सामने कैंची से काटेंगे। फिलहाल पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो इधर देखो अम्मा ने ना एक तरफ से सर पे हाथ लगा रखा है और दूसरी तरफ से खाना खाए जा रहे हैं। हाथ हटाना जरा, कैसे मुस्कुरा रहे हो तुम? तो अम्मा को ना कल रात को थोड़ा सा फायदा हुआ था दवाई का, और अब फिर से वैसे ही हो गया है, तो क्या विचार है तुम्हारा? नहीं हो रहा है ठीक, तो कहाँ से होगा? जब थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो खेत में चले जा रहे हैं मिर्ची तोड़ने के लिए। फिर भी ऐसा है कि मतलब काम करना ही करना है। मैंने बोला था ना कि ये असूज का महीना कुछ ऐसा रहता है कि घर में अगर कोई मुर्दा भी होगा ना तो वो भी दिक्कत ही लगता है। तो ऐसी अम्मा के साथ हो रखा है कि मतलब अंदर रहना ही नहीं है, है? पर भाई दोस्तों अम्मा एक बात से बिल्कुल हैरान हो रखी है, बल एक ही बुखार में ना हाथ पैर ऐसे सूख गए, मेरे बल नस दिखने लग गए। इनको पता ही नहीं है कि ये बॉडी है भाई, बॉडी बनाने के लोग नस दिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और इनको पता है। तो ये तो एलोवेरा लगाऊंगा ना तो सही हो जाएगा, है ना? चलो भाई खेत से ना एक खुचिला और ले आया हूँ मैं, तो दो खुचिला हो गए हैं, एक पहले लाए थे एक बाद में ले आया, और अब इनको ना आराम से छाया में बैठ के बीन लूँगा। पर अम्मा का मन कर रहा था भाई दोस्तों आज ना सूप पीने का, तो हम सूप भी नहीं बना सकते इस वक्त। मैं मंगा रहा था तो अम्मा ने बोला कल दादी का श्राद्ध है, तो आज हवीक है तो नहीं खाना बल, तो वैसे श्राद्ध चल रहे वैसे भी नहीं खाना। आराम से टीप ना तुम भी, हैं फिर भी चैन नहीं है भाई। जब बोल रहा हूँ घर पे रहो रहो मतलब सो जाओ तो बल ना बल। तो अब भाई दोस्तों ना जितने भी मिर्ची बचे हैं ना सारे हरे मिर्ची हैं, मतलब कच्चे मिर्ची हैं, तो इनको सबको ना एक बारी में ही तोड़ दे रहे हैं हम, तो वहाँ से लेके और यहाँ तक तो तोड़ दिए सारे, बट यहाँ से लेके और यहाँ तक मतलब अभी एक दिन का कसर और बचा हुआ है, और मैं ऐसे तोड़ के ला रहा हूँ ना। और जिनमें ये हरे वाले हैं ना, तो ये भी थोड़ा सा बोरी में रख के ऐसे भर देंगे, तो तब इनका कलर भी सेम ऐसे हो जाएगा, पक जाएंगे ये भी। और जो ये वाले ख़राब है ना, तो ये खाने के लिए हो जाते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा तीखापन रहता है भाई, तो
तो ये अपने घर के लिए हो जाते हैं खाने के लिए, इनको पिसवा के और हम इस्तेमाल में लेते हैं। ये भी भाई मेरा साथ ही बना हुआ है पेटेंट वाला, ये भी पेड़ों को तोड़ तोड़ के ला रहा है। देखो क्या है रे डोला ये भी बंदरों की जाग में है, कब बंदर आएंगे और कब मैं उनको भगाऊंगा। तब तक के लिए मेरा साथ ही बना हुआ मिर्ची के पेड़ तोड़ रहा है ये भी, और मस्त से बैठ के। हाँ तोड़ बेटे सारे पेड़ तोड़, ये ना आधे से ज़्यादा पेड़ इसी ने तोड़े हैं, ऐसे करके साथ में जाता है ना तो ऐसे करके तोड़ने पे लगा रहता है। तो चलो मिर्ची तो टीपे ही जाएंगे, इतने तो मैंने ख़त्म कर दिए, मतलब आधा टप तो हो गया है, इनको भी करूँगा तो एक टप पूरा हो जाएगा, आज का कोटा ख़त्म। तो अम्मा को थोड़ा सा बुखार भी आया तो बोल रही है आज बहाना मिल गया, बल जीभ थोड़ा क्याप क्याप हो रखा है, क्या हो रखा है टेस्ट आ जाएगा जीभ। अच्छा है गिच्चू तित्तू हो रखा है तो अमरूद खा के ठीक हो जाएगा। तो ये देखो अशोक वाटिका में ना कुछ ऐसे अमरूद हो रखे हैं, तो इनको ना जितने जल्दी तोड़ दो ना उतना बेटर रहता है, क्योंकि जो इन पर काले काले धब्बे दिख रहे हैं ना इनसे फिर ये ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी पक भी जाते हैं। लक्की महाराज भी पहुंच चुके हैं आज घूम घाम के, तो ये भी आज दिगोली खाल मार्केट से घूम के आ रहे हैं अभी। ही कर दे जरा कर दे, अरे कर दे, अरे कर दे ही ही चल टाटा कर दे तू जरा, बाय बाय। हाँ हेलो, और हेलो पा कैसे करते तुम पा, ये पा ये लौंडा ट्रेन हो रहा है कुछ टाइम के लिए, टाटा। हाँ मम्मी को टाटा कर दे तो इनको ना लाने के लिए जाना पड़ा, पता नहीं कितना सामान ले आए पापा टाटा टाटा अरे वाह भाई वाह, नजर लग जाएगी अब तो लक्की महाराज को है भाई साहब मस्त, अब नाचने भी लगा है, अब मस्ती छा रही है। चाचा चा चाचा पूरा नहीं बोल पाता ना तो चाचा चा बोलता है, दादा को दादा ही बोलता है। एक ही मात्रा सीखी है तुमने अभी, यह सत्तू दादी चार्ज ले देने कुछ दिनों में बाकी दोस्तों निकलते हैं हम अपने वसुधरा की गुफा में। तो यहाँ देखो यहाँ क्या, अब बड़े तिल के सुलगुंदे गुठिया रही हो, अब आज ताओ तो भूख लग गया। अच्छा आज हबीक, तो हाँ कल हमारे दादी का श्राद्ध है ना, तो अच्छा आज व्रत था ताओ का। अच्छा अच्छा हो, बाकी दोस्तों आजकल ना ऐसा मत बोलना कि किचन कुछ इस तरीके का हो रखा है, तो सबके किचन ना इसी तरीके के हो रखे हैं आजकल, क्योंकि ना असूज के महीने में ना काम करके ना किसी को भी बर्तन उठाने की हिकमत नहीं रहती। बाकी भाई दोस्तों जरा हमारा बुखार तो सही हो गया है, जरा चाची लोगों का देखते हैं, क्योंकि चाची लोग चंडीगढ़ से आए थे और यहाँ आके गॉड गिफ्ट मिल गया उनको। चाचा श्री कहाँ हो, देखो यार शाम का माहौल ना कुछ ऐसे दिखता है गांव का। हेलो और एंटर हो जाओ भाई यहाँ के चंपावती में, तुम तो सुलगिंदे गुठिया रही है। अच्छा तुम कह रहे खाना पीना इतना जल्दी, भाई साहब इतनी जल्दी खा दिया, देखो अभी टाइम कितना हुआ 6:47 ऐ तुम ना कौन सी गाड़ भी मैं और ये देखो अभी तक ये ना बिस्तर लेके सोए थे यार, अब जाके चढ़क के खड़ उड़ गए। और सुनाओ तुम कंज तबियत पैन मुंडो
भाई साहब राजमा चोरी के लिए जाओ रे दिया। ये तो उड़ लो दी घास बोल करवा चौथ बीच कल इनका ना कड़वा चौथ भी है बोले। और तब देखो बोले तब क्या होता है बोले कल व्रत की पूरी तैयारी ओहो तो कह बोल तुम घाम मरो ही खराब हो रहा ये सब बस चार महीना चढ़गा दिन बस सही जान ये देखो भाई फूल से कैसे डर रहा है ये देखो। चलो भाई दोस्तों अभी चाचा लोगों से मिलके आ गए हैं मस्त से और अब थोड़ा सा खाना खाती है और उसके बाद भले इनके हाथ पे ना मेहंदी भी लगानी है क्योंकि कल ना कड़वा चौथ है तो तुम्हारा भी कड़वा चौथ का पर्व किले नहीं करेंगे तुमको तो रखना चाहिए तुम इतने ब्यूटीफुल हो तुम्हारे पति देव भी इतने ब्यूटीफुल है। ये प्यार नहीं करते है ना ठीक नहीं बोल रहा हूँ प्यार नहीं करते क्या सुनने में आ रहा है हम जा प्यार करे या ना करे अच्छा पर हम भूख से ना मरे हम तो कदे नहीं चाहते कि वाना बर्त धरो मेरे बदल ले दूं शुभ इतनी फिलहाल भाई दोस्तों ना इनका तो कड़वा चौथ नहीं है तो ये ना बल बचपन से ही बहुत प्यार करते हैं तो फिलहाल मेहंदी में ही काम टला रहे हैं बल। और अब इनमें ना ये कंपटीशन हो रखा है ताई में मतलब दोनों देवरानी जेठानी में कि बल जिसकी बल ज़्यादा गहरी मेहंदी लगेगी ना उसका पति बल ज़्यादा प्यार करता है उनको। तो हमारे ताई जी ये रहे और माताश्री ये रहे तो इनको अब तुमको क्या लगता है तुम्हारी गड्डी मेहंदी रचेगी जरूरत भी नहीं है राम ता ये तो गजब बेइज्जती है भैया पति की गजब बेइज्जती कर रहे हो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो अरे भाई तो जो गढ़वाले होंगे ना वही इनका हो तो समझ पाएंगे तो ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया बस हंस लो बाकी कुछ नहीं है तुमने फिर लपोट दिया अगले ट्याड़े की कर दिए तुमने माँ जाएगा ताव मुड़ पर या इनका या लस बुन करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ स्वामी जी एक बार फिर बोल दे मजरा कान बोलो ना देखो ताई कुछ नहीं बोल पाती ना तो ताई को ये सारे के सारे ना चिढ़ा देते हैं हैं देख मैं ताई कन बोल मैं तीकन चलो भाई दोस्तों माताश्री तो चली गई है ऊपर अपनी हाथ में मेहंदी लगा के तो भाभी ने
उनके हाथ में मेहंदी लगा दी थी और भाभी ने अपने लेफ्ट हैंड में मेहंदी लगा दी है, अब राइट हैंड में मेरे को लगाना है। अब देखते हैं किसका बेटर लगता है, एक बार ही हाथ बताना। तो ये देखो कुछ इस प्रकार भाभी ने ना अपने हाथ में मेहंदी लगा रखी है। तो मैं ना बचपन से ही कलाकार ठहरा, तो मैं हर चीज़ में कामयाब हूँ भाई। मेहंदी लगानी हो, चाहे घर का काम हो, कुछ भी हो ना, सारे करता हूँ। आपको ना मेरा चेहरा कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा ना, काफ़ी दाग धब्बे हो चुके हैं, तो एक ही बुखार ने ना मेरी इतनी हालत ख़राब कर दी है। तो मैंने ना सबसे मेन बात क्या है कि मैंने दवाइयाँ नहीं खाई, कुछ भी दवाइयाँ नहीं खाई, तो मेरे को ना दवाई सूट नहीं होती। जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं ना, वही नुस्खे मैं अपनाता हूँ और पहले से भी वही चलता आ रहा है कि मैं दवाइयाँ नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी भाई। इस बुखार में भी मैंने बिल्कुल भी दवाई नहीं खाई। तो अगर आपके पास इनको हटाने का ना कुछ भी नुस्खा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मेरी ना थोड़ी सी हेल्प हो सके। नहीं तो मैं खाली दही और हल्दी लगाता हूँ, वो भी भाभी सिंह लगाती है भाई। वही बनाते हैं उसका लेप और वही लगाते हैं, तो उसी से अब तक ना मेरा चेहरा थोड़ा सा ठीक हुआ था। तो अभी इन्होंने ना एक मेहंदी ढूंढ ली है, तो उसी मेहंदी को कॉपी करते हैं इनके और हाथ में पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट काम चलेगा, दिखाते हैं आपको लास्ट में कैसा बनता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और सुबह देखेंगे कि इनके स्वामी इनको कितना प्यार करते हैं। तो मेहंदी रच के ना पता चलेगी बाद में कि क्या क्या है राज। मेरे भाई ने दूसरी तो नहीं पटा रखी है, तो वो बाद में पता चलेगा सुबह जब मेहंदी रचेगी। तो आप लोग जो वीडियो के एंड तक बने रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आजकल ना काफ़ी ज़्यादा चैनल डाउन चल रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जैसे वीडियो आती है ना, तो शेयर कर दिया करो और सारे दोस्तों में भेज दिया करो, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, और स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, ग्रुप में शेयर करो, कुछ भी करो। बस 3K हमको, 3 और 4K तक हमको जल्दी से जल्दी पहुँचना है, काफ़ी जल्दी, और वो जल्दी आप कर सकते हो। मेरी बस की बस ये है कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय श्री राम, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।